الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسل هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रबिशरली सदरी वसरली अमरी वाहलोकदतमिल्लसानी कौली बाबुल अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी वो अनवारिया हैदराबाद इंडिया के जेर अहतमाम कुतबी तस्दीकात का दर्स अलहद किस्तवार जारी जारी सारी है आज का दर्स फ़ैनकुलता

एतराज़ यहाँ से पैदा हुआ कि मुसनफ़ ने कहा कजिए हमलिया के तीन अज्जा हैं एक मौजू एक महमूल यहाँ से नहीं एक मौजू एक महमूल दो और तीसरे इन दोनों के दरमियान की नस्बत मौजू और महमूल के दरमियान की नस्बत वो नस्बत जिस नस्बत से जिस नस्बत की वजह से महमूल मौजू से मुरतबित होता है कनेक्ट होता है तो ये जो नस्बत है यहाँ से एतराज पैदा हुआ इस नस्बत जो मौजूद और महमूल के दरमियान है उसका नाम नस्बत हुक्मिया बताया शारे ने कि वो नस्बत हुक्मियाँ तो अब सवाल ये है कि ये जो नस्बत हुक्मिया है या मौजू और महमूल के दरमियान की जो नस्बत है इस नस्बत से क्या मुराद है अया इस नस्बत से मुराद वो नस्बत है जो वकू और लावकू का महल है वो नस्बत है जो ईजाब और सलब का महल है या इससे मुराद ख़ुद वकूह नस्बत या लावकूह नस्बत है इस नस्बत से मुराद क्या है अगर कहा जाए कि इस नस्बत से मुराद वो नस्बत जो ईजा ब सहल ईजाबलब का मौरद है वो है अगर जवाब मैं ऐसा कहा जाएगा तो सवाल ये होगा कि अगर ये मुराद है तो वो कुए नस्बत ला वह नस्बत तो एक दूसरी चीज़ है फिर उस पर भी दलालत करने के लिए कोई लफ्स होनी चाहिए जैसे कि मौजू पर दलालत करने के लिए कोई लफ्स महमूल पर दलालत करने के लिए लफ्स और इस नस्बत हुक्मिया पर दलालत करने के लिए लफ्स और इस नस्बत से मुराद अगर मोरिद ईजाब व शलब ले रहे हैं तो कजिया का एक जुज़ और है जिसे वो कुए नस्बत याला वूएँ नस्बत कहते हैं तो अगर आपकी मुराद मोहरिद ईजाब यानी वो नस्बत जो सल्ब अगर ये मुराद है तो फिर वो कुए नस्बत लाभ कुए नस्बत एक दूसरी चीज है जुज है उस पर भी दलालत करने के लिए कोई लफ्ज होना चाहिए और अगर कहा जाए कि नहीं नस्बत से मुराद वो कोई नस्बत लाभ कोई नस्बत है अगर ऐसा कहा जाए तो फिर जवाब ऐसा दिया जाए तो फिर इस पर सवाल ये वारद होगा कि वो नस्बत जो ईजाब व सहल ईजा बसलब का महल है तो वो तो अकूह नस्बत लाओ नस्बत के सिवा एक दूसरी चीज़ है तो उस पर भी दलालत उस पर भी दलालत करने के लिए कोई लफ्ज़ होना चाहिए हासिल ये कि कज़ी हमलिया के अज़ा चार हैं मौजू महमूल नस्बत हुक्म दूसरे लफ्ज़ में मौजू महमूल वो नस्बत जो सलब का महल है वो नस्बत जो वक़ु और लावकू का महल है ये तीन और चौथा ख़ुद वक़ुअ नस्बत लावकू नस्बत तो कज़ीय हमलिया के अज्जा चार हैं तो उस पर दलालत करने वाले अल्फाज भी चार होना चाहिए ये है एतराज़ अब जैसा कि अभी मैं अर्ज़ किया कि कज़ी हमलिया के अज्जा चार हैं और वो फ़लाँ फ़लाँ है मौजू ध्यान से सुनिए बारिक गुफ्तु है इसलिए अगर तकरार भी हो तो उकताइएगा नहीं मौजू महमूल इन दोनों के दरमियान की नस्बत जिसे मोरिद ईजाब व शलबा आपने कहा जिसे आपने मोहरिद वोकू और लावकू कहा ये तीन हुए और चौथा वोकूह नस्बत लावकू नस्बत तो चार हैं कजिया में याद रहना चाहिए ये चार मालूम होते हैं जिनका नाम अभी मैं लिया और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इन चार मालूम में से पहले तीन का इल्म और इदराक ये मंतिक की ज़बान में तस्वूर कहलाता है और चौथे का इदराक यानी वकूह नस्बत लावकूह का नस्बत का इदराक़ इसको मंतिक की ज़बान में तस्दीक कहा जाता है और इसी को हुक्म भी कहा जाता है तो गुफ्तु यहाँ थी कि बहर हाल हासिल एतराज़ कहिए किज़ी हमलिया के अज़ा चार हैं तो आगे की गुफ्तु आपको मालूम है जब चार हैं तो उस पर दलालत करने वाले अल्फाज भी चार होना चाहिए मगर कज़ी हमलिया के अजसा चार हैं आप मुमकिन है आपके जहन में आ रहा होगा कि ये चार कैसे हैं किस तरीके से कजिय हमलिया के अजसा चार हैं ज़रा वो बात वाज की जाए तो पहले एक नज़र हम इसमें देख लेते हैं कि किज़ी हमलिया के अज़ा चार कैसे हैं तो इस बात की वजाहत के लिए मैं एक मिसाल रखता हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इस मिसाल का मकसद आप तक इस बात को पहचाना है कि किज़ी हमलिया में चार अज़ा होते हैं पहले तीन का इदराक चार मालूम होते हैं पहले तीन का इदराक वो तसुर है और चौथे का इदराक तस्दीक है ये आप तक पहुँचाना मुझे इसके लिए मैं गुफ्तु कर रहा उसके लिए एक मिसाल आप सुनिए हमारा कॉल आसमान बुलंद है ये कजिय हम लिया है इस क़़िय हमलिया में आसमान मौजू है बुलंद महमूल है तो ये दो अज़ा तो आपको साथ दिख रहे हैं तीसरे बुलंद होने की आसमान की तरफ निस्बत की गई है इस कज़िया में दूसरे लफ्ज़ में बुलंदी के सबूत की नस्बत है आसमान के लिए तो जब कहने वाले ने आपके सामने इतना कहा मिसाल के तौर पर या आपने अपने से सोचा एक को मैं लेता हूँ कहने वाले ने आपके सामने जब कहा कि आसमान बुलंद है तो मोहतरम आपको सुनते ही सुनते ही तीन चीजें हासिल हुई यानी तीन मालूम आपको सुनते ही हासिल हो गए क्या आपको आसमान का इल्म हुआ यानी आसमान की सूरत आपके जहन में आई और बुलंद इसकी सूरत आपके जहन में आई और बुलंदी के सबूत की नस्बत आसमान की तरफ ये चीज आप सुनते ही तीन चीज हासिल हुई आसमान का इल्म हुआ बुलंद का इल्म हुआ और बुलंद होने की जो बुलंदी के सबूत बुलंदी के सबूत नस्बत जो आसमान की तरफ की गई इस नस्बत का भी आपको इल्म हुआ सुनते ही सुनते ही आपको तीन ओलूम हासिल हुए तो ये तीन ओलूम आपके जहन में हासिल हुए और बाहर जो है वो तीन मालूम हैं तो सुनते ही तीन ओलूम हासिल हुए तो आप कहेंगे फिर तो कजिया के अज्जा ये तीन ही होंगे इन तीन के बाद फिर चौथी कौन सी बात है एक मौजू एक महमूल और एक महमूल के सबूत की मसलन मौजू की तरफ़ नस्बत जिसे नस्बत हुक्मिया कहते हैं तो बस बात ख़त्म हो गई कजिया हासिल हो गया तो तीन ही अज़ा हुए। फिर चौथा जुजा आप जो वो कुए नस्बत ला वो कुए नस्बत ला रहे हैं ये क्या चीज़ है तो मैं अर्ज करूँगा आसमान बुलंद है मेरी जबान से निकला आपके कान ने सुना और सुनते ही आपको तीन मालूम हासिल हुए आपके पास तीन ूम सुनते ही आपके पास हासिल है मौजू का महमूल का इल्म और नस्बत हुक्मिया का इल्म मगर इन तीन ूम के बाद कई बार आपको एक चौथा इल्म हासिल होता है और कई बार आपको एक चौथा इल्म हासिल नहीं होता ये क्या मतलब अब इस बात की तोजीह के लिए मैं एक मिसाल और रखूंगा आपसे किसी ने कहा आपके पास किसी ने कहा कि जैद नमाजी है जैद जिसको आप खूब जानते हैं या थोड़ा बड़ा जैद के बारे में जानकारी है तो सुनते ही आपको तीन चीज हासिल हुई जैद की सूरत जहन में आई नमाजी की सूरत जहन में आई और नमाजी होने की जो जैद की तरफ नस्बत की गई वो सूरत आपके जहन में आई तीन चीज़ हासिल हुई मगर मुझे बताइए कि इन तीन चीज़ों के हासिल होने के बाद आप किस किस स्टेशन पे खड़े हो सकते हैं ये नस्बत जो आपके जहन में आई नमाजी होने की मिसाल के तौर पे तो आप इस नस्बत के हसूल के बावजूद शक के मकाम पे खड़े हो सकते वहम के मकाम पे खड़े हो सकते ख़याल के मकाम पे खड़े हो सकते ज़न के मकाम पे खड़े हो सकते और यकीन के मकाम पे खड़े हो सकते और मकाम पर भी खड़े हो सकते क्या मतलब ऐसी नस्बत जब आपके जहन में आती है तो कभी तो ऐसा होता है कि आपका जहन मान लेता क्या मान लेता ये नस्बत जैसी हमारे जहन में है नफसुल अमर में भी वैसी है हमारे जहन में क्या नमाजी होने की नस्बत जैद के नमाजी होने की नस्बत आई नफसलम्र में, में भी वाक में भी जैद नमाजी है तो कभी तो आपका फौरी तौर पर या देर से जहन इस बात को मान जाता आपको इज़ान हो जाता है इस नस्बत हुक्मिया का कभी ऐसा होता है अगर ऐसा हो गया आपको इस नस्बत हुमिया का इज़ान हो गया तो उसे की ज़बान में तस्दीक बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं तस्दीक यानी मान लेना कि ये नस्बत जैसी हमारे जहन में नफसलम्र में भी वैसी ही है इसे तस्दीक बोलते हैं और अगर ये नस्बत जो आपके जहन में हासिल हुई ज्यादा नमाजी है अब आपका जहन यहाँ खड़ा है कि आपके दिल में आता है नमाजी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दूसरे लफ्ज़ में कहो जितना जैद का नमाजी होना आपके दिल में आता है उतना ही आपके दिल में आता नमाजी नहीं है तो इस नस्बत में आप शक कर रहे हैं अब मकाम शक पर आप खड़े हैं तो शक किस में कर रहे हैं नस्बत में कर रहे हैं समझ रहे हैं मैं इन्हीं दो को लेकर के बात ख़त्म करता हूँ वहम वगैरह की तरफ नहीं तो देखिए इस नस्बत हुक्मिया के हासिल होने के बाद कभी आप शक में होते हैं यानी इस नस्बत में आपको शक होता है कभी आपको यकीन होता है तो इस नस्बत के हसूल के बाद भी कोई चीज़ है इस नस्बत के जहन में आ जाने के बाद भी कुछ और आने की ज़रूरत होती है तो ये नस्बत आपके जहन में आई मसलन जायद नमाजी है नमाजी होने की सूरत आपके जहन में आई आने के बाद आपका जहन मान लिया कि अम्र में भी जैद नमाजी है तो यही वो कुए नस्बत है वो कुए नस्बत ये नस्बत जो हमारे जहन में है नफसुल अम्र में भी है दूसरे लफ्ज़ में ये नस्बत जैसी हमारे जहन में है वैसी नफसुल अमर में है। ये है वकू नस्बत तो देखिए कजिया के चार अजसा अच्छा हुए एक मौजू एक महमूल एक नस्बत हुक्मिया जो वक़ु और लावकू का महल है और दूसरे चौथा वकूह नस्बत लावकू नस्बत भकूह नस्बत तो आपने सुन लिया लावकू नस्बत क्या है आपका जहन अगर ये सवाल कर रहा होगा तो जवाब ये है कि मसलन आपसे ये कहा गया कि जैद अंधा नहीं है सुनते ही तीन चीज़ आपको हासिल हुई जैद की सूरत ज़हनिया, अंधा की सूरत जहनिया और अंधेपन के शलब की जो नस्बत की गई सल्बी नस्बत की सूरत ज़हनिया, ये तीन चीज़ें हासिल हुई तो आपके जहन में तीसरी चीज़ नस्बत सलबिया कि अंधापन जैद से बरतरफ है ये बात आपके जहन में आई अंधापन जैद से बरतरफ है मसलूब है दूर है ये नस्बत आई अब आपके जहन ने मान लिया कि जिस तरीके से हमारे अपने जहन में हमारे अपने जहन में अंधापन जैद से बरतरफ है नफसुल अम्र में भी अंधापन जैद से बरतरफ है आपके जहन ने इस बात को मान लिया समझ रहे हैं तो ये हुए नस्बत है कि ये नस्बत जैसी हमारे जहन में है वैसी वाक़े में भी है हमारे जहन में नस्बत से वाके में भी ये नस्बत वाक़े में भी ये नस्बत जैद से बरतरफ है यानी नफसल अमर में भी जैद अंधा नहीं है तो ये लावक हुए नस्बत तो मुझे लगता है कि मेरी ये बात शायद वाज हो गई होगी कि ज़िया हमलिया में चार अज्जा होते हैं एक मौजू एक महमूल बिल्कुल साफ़ है जैसे कि जैदा आलिम एक मौजू एक महमूल एक उन दोनों के दरमियान की नस्बत जिसे हमने नस्बत हुक्मिया कहा ये तीसरा हुआ और चौथे वही नस्बत हुक्मिया जो ईजाब और शलब का मोरद है वही नस्बत हुक्मियाँ जो वक़ु और लावकू का मोरद है ये तीन हुए और चौथा उस नस्बत का वक़ु और लावकू वकू नस्बत लावकू नस्बत यानी कज़ी हमलिया के अज़ा चार है अगर आपने इस बात को समझ लिया तो एतराज़ ये है कि जब कज़ी हमलिया के अज़ा चार हैं तो उस पर दलालत करने वाले अल्फ़ भी चार होना चाहिए ये है एतराज़ जवाब तो पहले शायरे की ज़बानी एतराज़ हम सुन लेते हैं फिर जवाब देखेंगे फ़ैन कुल अगर आप मुसनफ़ की इबारत पर एतराज़ करें दोनों के दरमियान की नस्बत वो नस्बत जिसकी बदौलत महमूल मौजु से मुतबबित होता शारे की इस इबारत पर अगर आप करें क्या एतराज़ करें कि वो नस्बत नस्बत हु है जो मौजूद और महमूल के दरमियान एतराज़ ये करें कि मुराद नस्बत हु से या तो वो नस्बत होगी जो ईजाब सहल ईजाबलब का मोरद है या नस्बत हुक्मिया से मुराद वकू नस्बत लावकू नस्बत है वकू नस्बत लाओकू नस्बत जो ईजाब वसलब ही है फ़ाकान मुरादो बेह हाँ, अव्वल तो अगर नस्बत हुक्मिया से मुराद अव्वल है यानी वो नस्बत जो ईजाब वसलब का मोरिद है मौर्द ईजाब वल्ब मोर्द वक़ुह अलावकू तो अगर मुराद नस्बत हुमिया से अवल है तो जनाब कज़िया का एक और जुज़् है वो है वकूँ नस्बत या लाभकुए नस्बत तो ज़रूरी है कि उस पर भी कोई इबारत दलालत करे उस पर भी कोई लफ्स दलालत करे और अगर मुराद सानी है नस्बत हुमिया से यानि व नस्बत लाभकुँ नस्बत ये मुराद है तो फिर वो नस्बत जुवकू और लावकू का मोरद है वो एक दूसरा जुज़ है उस पर भी दलालत करने के लिए कोई दूसरा लफ्ज़ होना चाहिए हासिल एतराज़ का ये है कि कज़िया हमलिया के अज़ा चार हैं तो उसका हक ये है कि उस पर चार अल्फाज दलालत करें शारे कहते हैं कि अगर आप ऐसा एतराज़ करो मुसन्फ़ की इबारत कौन सी इबारत पर दोनों के दरमियान की नस्बत जिसकी वजह से महमूल से मुरतब हो बोलो इस आपने इसको नाम दिया नस्बत हुक्मिया बोलो नस्बत हुक्मिया से क्या मुराद है ये है या ये है जो भी हो कज़िया हमलिया के अज्जा तो चार हैं चार हैं तो दलालत करने वाले अलफा चार होना चाहिए ये जो आप ने एतराज़ किया अगर ऐसा एतराज़ करो तो शार कहते हैं फनकुल तो हम जवाब में कहेंगे क्या आपने पूछा था ना कि नस्बत हुक्मिया से क्या मुराद है वो नस्बत जो मौर्द ईजाब वलब है या वो नस्बत जो वह ना वक़ु नस्बत लावकू नस्बत है तो दूसरी शिक् को हम तस्लिम करते हैं उससे मुराद हमारी है वूह नस्बत लावकू नस्बत ऐसा शारे कहते हैं अगर इतराज करोगे तो जवाब में हम कहेंगे कि मुराद सानी है यानी नस्बत हुक्मिया से यहाँ पर मुराद वकूँ नस्बत लावकू नस्बत है और मुराद सानी है यानी नस्बत हुमिया से उस नस्बत से यहाँ मुराद वकूँ नस्बत या लाओकू नस्बत है समझ लें ये सानी है कहते वकान कौल हो बेहर तब्यतलम बिल मु मुनफ़ का कौल जो नस्बतनबिनुम बेहर तबहमोबालमु है मुसनफ़ का कौल बिल तबमूलोबिलमौ में इशारा भी इसी बात की तरफ़ है कि इस नस्बत से मुराद वकूँ और लावकू है क्योंकि यहाँ नस्बत से मुराद वो जो बिला वास्ता रबता हो और वो जो बिला वास्ता रबता वो वक़ूह नस्बत लावकू नस्बत है क्यों क्योंकि नस्बत के साथ जब तक वक़ू और लावकू का एतबार नहीं किया जाएगा तो नस्बत होगी ही नहीं तो मुराद वो वकूँ नस्बत लाभकुए नस्बत तो मोहतरिस ने कहा था अगर वो कुएँ नस्बत लाभ कुएँ नस्बत भी मुराद लाओगे तो वो नस्बत जो मोरद मोरिद ईजाब वसलब है वो भी क़ज़िया का एक जुज़ है तो उस पर भी दलालत करने के लिए कोई लफ्ज़ होना चाहिए तो उसका जवाब दे रहे हैं वला हाजत दलालत अस्बत ली है मोरिदलीजा वसलब वो नस्बत जो ईजाब व का मोरिद है उस पर दलालत करने के लिए अलग से किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है वो नस्बत जो मोर्द ईजाब व है उसको बताने के लिए उस पर दलालत करने के लिए अलग से किसी लफ्स की ज़रूरत नहीं है क्यों फ़ाइन लफ्स दाल क्योंकि वो लफ्ज़ जो वक्ुए नस्बत या लावकुए नस्बत को बता रहा है वही उस नस्बत को भी बता रहा है जो मौर्द ईजाब शैलब है कहते हैं फैन अला लावकू नस्बत क्योंकि वो लफ्ज़ जो वकुए नस्बत पर दाल है वो उस नस्बत पर भी दाल है जो मोरिद ईजाब व शलब है फल जुज़ आने में नल़़िया तो क़़िया के ये दो जुज़ जिसको आपने सुना एक तो वो जो मोरद ईजाब व शलब है एक वक़ुए नस्बत वकुए नस्बत ये दो जुज़ कज़िया के ये दो जुज़ हैं मगर ये दोनों जुज़ एक ही इबारत से हासिल हो जा रहे हैं मसलन वो मस है कज़िया हमलिया मूजबा में मिसाल के तौर पे एक ही इबारत से हासिल हो जा रहे हैं इसीलिए लिए जज़ अन एक जज़ को लिया यहाँ तक के कजिया हमलिया के अज्जा तीन में मुनसर हो गए कजिया हमलिया के अज़ा कितने में मुनसर हो गए तीन में मुनसर हो गए यानी अल्फास्तन है और मानी चार हैं अल्फाज तीन हैं क्योंकि एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे दो मानी बैक वक्त हासिल हो जा रहे हैं तो हमलिया के अज्जा मुनसर रहे तीन में ही बात ख़त्म हो गई एतराज़ का जवाब हो गया बहरहाल अब तक ये बात वाज हुई कि कज़िया हमलिया के तीन अज्जा हैं मौजू महमूल र रबा की तशरी गुजर चुकी दोबारा उसके तशरी की ज़रूरत नहीं है तो मौजू महमूल रबता कजी हमलिया के तीन अज्जा हैं ये बात वाज हुई अब रबता पे फिर एक बार गुफ्तु करते हैं कहते तो सुमर रब्ता फिर आपको इल्म होना चाहिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि रबा आदात है आदात इसम कलमा अदात शुरू किताब में अदात की तारीफ़ हुई अदात करीब करीब वही है जिसे नहवी हजरा फेल कहते हैं मगर ज़रा सा फ़र्क तोबा तोबा जिसे नहवी हर्फ कहते हैं मगर ज़रा सा फ़र्क है कि हर्फ अखस है और अदात आम है फिर रबा अदात है ये भी आपको इल्म होना चाहिए क्यों अदात है रबा अभी तो आपने कहा जाए जाम उनम में हो है ये रबता है और फिर कह रहे हैं रबत आदात है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि होआ आदात है और कोई इस बात का कायल नहीं है कि हो आदात है बल्कि हो तो इसमें ज़मीर है आगे देखिए फिर आपके इल्म में होना चाहिए कि रबा आदात है आदात कैसे है और आपने जो सवाल किया उसका क्या जवाब है अगले तीन सतर में आपको जवाब मिल जाएगा और यह बात भी साफ हो जाएगी कि राबता आदात क्यों करे फिर रहा आदात है इसलिए कि यह रहा नस्बत राबता पर दलालत करता है नस्बत र दलालत करता वही है गैर लतिन और नस्बत गैर राबा मुस्तकिल नहीं है गैरमस्तकिल है क्यों गैरमस्तकिल है इसलिए कि ये मौकूफ़ है महकूमल है और महकूम बही पर मौकूफ़ महकूमल है और महकूम बही के बगैर नस्बत र का वजूद नहीं है तो उसका मुस्तकिल वजूद नहीं है गैर मुस्तकिल है क्योंकि उसका वजूद मौकूफ़ है किसके ऊपर महकूम अल और महकूम भी पर तो बात वाज़ हुई कि नस्बत नस्बत मुस्तकिल है जब नस्बत मुस्तकिल है तो उस पर दलालत करने वाला लफ्ज़ को भी गैर मुस्तकिल होना चाहिए ऐसा ही लफ्ज़ होना चाहिए जो गैर मुस्तकिल हो गैर मुस्तकिल तो उस पर दलालत करने वाला लफ्स गैर मुस्तकिल होना चाहिए इस तौर पर इन्होंने कहा कि आदत है तो कहेंगे इसका मतलब तो यह समझ में आया है कि हुआ भी आदत है अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम कहेंगे असल में होना तो यही चाहिए कि जब ये नस्बत रबा गैर मुस्तकिल है तो उस पर दलालत करने वाला लफ्ज़ गैर मुस्तकिल होना चाहिए क्या होना चाहिए मुस्तकिल होना चाहिए और हो गैर मुस्तकिल तो नहीं है मगर ये ज़बान का प्रॉब्लम है कि ज़बान में ऐसा कोई लफ्ज़ ज़बान अरब में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिला तो मजबूरन इस लफ्स को ले लिया गया इसका इस कर लिया गया बहरहाल फिर ये नस्बत राबता पर दलालत करता और नस्बत राबत गैर मुस्किल है क्यों इसलिए कि ये मौकूफ़ है महकूम अलय पर और महकूम भी पे लाख कत्तको कत्तकूनो है तो ये मुस्तकिल मगर निस... रबत क्या है गैर मुस्तकिल क्यों गैर मुस्तकिल उसकी वजह आपने देख लिया कि रबता नस्बत रे दलालत कर नस्बतः रबत गैर मुस्तकिल नस्बत गैर मुस्तकिल तो इस पर दलालत करने वाला जो लफ्ज़ रबत होगा वो भी गैर मुस्तकिल और ग़ैर मुस्तकिल आदात है इसलिए इन्होंने कह दिया कि रबता क्या है अदात है तो रबत है आदात हकीकत में रबत है आदात ये अलग बात है कि ये कभी इसम के शक्ल में होता है इसम के ढांचे में, 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 में होता है जैसे कि हुआ आलिमुन में हो और कभी मंत की के ढांचे में होता है जैसे जैदुल्कान कायमन कहते हैं लेकिन ये रा कभी इसम केब में होता है जैसे कि व गुदश्त मिसाल में रबत है वो इसम के कालिब में है अगर इसम के ढांचे में हो तो उस वक्त रबत को ग़ैर जमानिया कहा जाता और कभी रबत कलेमा कलमत की कभी कलिमा के कालिब में होता ढांचे में होता जैसे कि कान हमारे कौल जैदनक कान कायमन में अगर कलेमा के ढांचे में हो तो इस रास्ता को जमानिया कहा जाता है वलक़ियतलहमलिया बतबारी रब और कज़िय हमलिया जिसमें गुफ्तु है ये के एतिबार से अब बताना चाह रहे हैं कि कज़ी हमलिया सुनाइया होता कभी कभी सलासिया होता सुनाइया दो जुज़ वाला सलासिया तीन जुज़ वाला तीन जुज वाला वो इस तौर पर कि ज़बान अरब में कभी रबता मस्कूर होता है कभी हसफ़ कर दिया जाता तो, तो चूँकि जब राता को हसफ़ कर देंगे तो दो ही जुज़ होंगे जैसे जैदा आलमन आपने कहा दो ही जुज़ हैं तो अब इस वक्त कज़ीय हमलिया को सुनाया बोलेंगे और रबत अगर मस्कूर होगा तो ऐसी सूरत में कजिय हमलिया में रबत मस्कूर होगा तो ऐसी सूरत में तीन अल्फाज होंगे तीन अज़ा होंगे तो ये तीन अज़ तीन

कि अगर क़़िया हमलिया में रबत मस्कूर होगा जैसे कि आलम ये कजिया हमलिया है यहाँ हुआ जो रबा है मस्कूर है तो कजिया सलासिया होगा क्यों इसलिए कि ये कजिया यहियासिया कैसे तीन अलफ़ पर मुश्तमिल है जो तीन मानी के लिए हैं और अगर रबता को हसफ कर दिया गया कजिया में हसफ़ क्यों कर दिया गया इसलिए कि जहन उसके माना को समझ जाता है तो कजिया सुनाया होगा क्यों क्योंकि ये गज़िया सिर्फ़ दो जूस पर मुश्तमिल है जो दो माना के मुकाबिल में है ख़त्म हुई बात मुसनफ़ का कौल कत्तफ़ोफ़ी बाजिल लोग रबता को ज़बान में कभी हसफ भी कर दिया जाता मुसनफ़ के इस कॉल में इशारा है कि ज़बान जबाना के इस्तेमाल में मुख्तलफ हैं मुख्तलफ हैं क्योंकि अरब ज़बान की जहाँ तक लगात अरब की बात है तो ये कभी रबता का इस्तेमाल करती है मसला कभी जैदुआलिम बोल देते हैं और कभी रबत को हसफ कर देते और कभी जैदुलआलिम बोलते हैं तो ज़बान अरब का हाल ये है कि ये राबा को कभी जिक्र करती है और कभी राबता को हस्फ कर देती हस्फ कर देती है बेशहादत कराइनदा रबता को बताने वाले क्राइन के मौजूद होने की वजह से हसफ़ भी कर देती है ये तो ज़बान अरब का हाल है जहाँ राबता का जिक्र ज़रूरी नहीं होता कि जिक्र भी करती और हस्फ भी कर देती हाँ यूनानी ज़बान के जिक्र को रे ज़बानिया के जिक्र को वाजिब करार देती है गैर जबानिया के जिक्र को वाजिब करार नहीं देती यूनानी ज़बान के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो उस बिना पर जिसको शेखबूली इबन सैन्य ने नकल किया है और लगत अजम यहाँ पर आम है मतलक है मुराद है फारसी ज़बान फारसी ज़बान क़िया को रत से ख़ाली कर करके इस्तेमाल नहीं करती यानी रबत के ज़िक्र को ज़रूरी करार देती है फ़ारसी ज़बान अब ये रा या तो लफ्ज़ में हो जैसे कि फ़ारसीों का कौल हस्त और बूद ये रबता है या हरकत में हो जैसे कि उनका कौल जे कसर के साथ कसर की जो हरकत है ये रही है तो रा कभी लफ़ की शक्ल में होता है और कभी हरकत की शक्ल में होता है ज़बान फ़ारसी में तम दरस अल ओम वाखर दवाना अलहमद ला